तो आज की क्लास में हम 7.5 को ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में आप फैक्टर जो मिल रहा है वो होल स्क्वायर टाइप का है। इस टाइप का अभी एक भी क्वेश्चन हमने नहीं कराया है, तो इसमें कैसे हम पहले ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, उसको पहले जान लेते हैं। पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे रेशनल फंक्शन लिखा है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन समझते हो ना, जैसे एक बड़ा सा फ्रैक्शन है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे हम। तो x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इनटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर x माइनस 1 है प्लस सेकंड फैक्टर तो मानिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। अब जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू होगा a इनटू x माइनस वन है यहाँ होल स्क्वायर है एलसीएम में, तो x माइनस वन बचेगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वन। ऑन पुटिंग हम a निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू क्या रखते हैं, माइनस टू रखते हैं, तो a और c दोनों निकलेगा, पहले b निकाल लेते हैं। ऑन पुटिंग यहाँ ना x माइनस वन इंटू x प्लस टू, तो c को जीरो करना, तो b की जगह पे b की जगह पे तो है ये x प्लस सही है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट कर लें, माइनस टू कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो a जीरो हो जाएगा और b भी जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू निकलेगी। माइनस टू माइनस वन कितना होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन, और इधर होगा माइनस टू इक्वल टू नाइन सी, देन सी इक्वल टू माइनस टू अपॉन नाइन, सी की वैल्यू निकल गई। अब पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू वन, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा जीरो, थर्ड फैक्टर हो जाएगा वन इक्वल टू बचेगा बी इंटू वन प्लस टू कितना होगा थ्री, देन बी इक्वल टू वन बाई थ्री। अब हमें निकालना है ए, तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सिंपल कोई वैल्यू पुट कर लो, वन और माइनस टू को छोड़ दे कि ये जीरो ना हो। ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू, तो इधर बचेगा जीरो और यहां क्या बचेगा माइनस वन इंटू प्लस टू, माइनस टू ए हुआ, यहां क्या बचेगा टू बी प्लस टू बी, यहां क्या बचेगा माइनस प्लस सी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहां बी और सी की वैल्यू पुट कर दो तो ए निकल जाएगा, टू ए इक्वल टू टू बी प्लस सी, देन टू ए इक्वल टू बी की वैल्यू तो टू बाई थ्री हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 1 by 3, minus 2 by 9, वैल्यू 2 by 3 और ये minus 2 by 9, तो a equal to हो गया, ये कितना होगा हमारा 6 minus 2 upon 9 into 1 by 2, a equal to आ गया 4 by 2 into 9, a equal to 2 by 9। अब a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रल हमारा होगा a, a की वैल्यू कितनी 2 by 9 dx upon x minus 1 plus plus b की वैल्यू 1 by 3 1 by 3 dx upon whole square of x minus 1 plus c की वैल्यू minus 2 by 9 तो minus 2 by 9 dx upon x plus 2। ये दोनों लॉगरिथम में आएंगे और यहां इसको t सपोज कर लेंगे तो dx equal to dt होगा। इसके लिए सपोज कर लेते हैं लेट x माइनस वन इज इक्वल टू टी, देन डी एक्स इक्वल टू डी टी, अब इंटीग्रल हो जाएगा टू बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन बाई थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस टू बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, टू बाई नाइन log x माइनस वन प्लस वन बाई थ्री, ये t का पावर माइनस टू है
तो होगा t का पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस माइनस टू बाई नाइन लॉग एक्स प्लस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों लॉग को एक पास करना है, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नाइन इसके बाद देखेंगे। तो इस टाइप का कहीं भी होल स्क्वायर टाइप से आए जिसमें होल स्क्वायर हो कोई फैक्टर में, तो इसी टाइप से करेंगे। लेकिन वो होल स्क्वायर जो होना चाहिए किस फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा या क्यूबिक रहेगा तो फिर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसी के बेसिस पे अब मुझे लगता है कि एट के बाद नाइन एट बता देते हैं, उसके बाद थर्टीन। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो डिवाइड नहीं करना है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सब पहले फैक्टराइज करेंगे। थ्री एक्स अपॉन फाइव, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो फैक्टर क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लोगे तो भी बचेगा एक्स माइनस वन। तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको लिख सकते हो थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, लिख सकते हो। तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ x माइनस वन एक पहले से है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, तो इसको कर लेंगे। सपोज जैसे करेंगे a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x प्लस वन, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वन प्लस c अपॉन x प्लस वन, आगे आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 या 13 देखिए। 12 x क्यूब प्लस x प्लस वन, x क्यूब प्लस x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन dx। यहाँ न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं रॉक में पहले डिवीजन कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पहली बार x टाइम्स होगा डिवाइड, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ हो गया टू एक्स प्लस वन। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका पावर इससे ज्यादा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, कोसेक हो गया ये प्लस रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। अब कर सकते हो इसको एक्स डीएक्स प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डीएक्स। अब फिर सिंपल बन गया ये, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा आपको। पहले सपोज कर लोगे टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, आगे कर सकते हो आप। एक्स का तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, इसको कर लोगे, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 करना है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है यहां पर। तो सपोज कैसे होगा, लेट 2 अपॉन 1 माइनस x इनटू 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस x प्लस यहां bx प्लस c अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू a इनटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू 1 माइनस x। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को यहां पे, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, एट x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पुट कर दो इधर, टू इक्वल टू ये कितना होगा 2a, ये जीरो हो जाएगा। देन a इक्वल टू कितना आया 1, a इक्वल टू 1, सॉरी इधर जीरो रखना था ना,
नहीं चेंज, एक्स एक्स था नहीं, एक्स इक्वल टू वन रखना था, अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वन ही रख लो, वन रखेंगे तो वन रखेंगे फिर कट जाएगा, माइनस माइनस वन माइनस वन रख लेते एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन रखेंगे तो इधर टू और इधर हो जाएगा फिर टू ए, टू ए का मतलब टू इंटू वन, ए की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस टू मल्टीप्लाई करो, ये देखो दोनों टू कैंसिल हो गया, जीरो बच गया, जीरो इक्वल टू माइनस टू माइनस टू बी प्लस टू सी, टू बी इज इक्वल टू टू सी, देन बी इक्वल टू सी, बी और सी की वैल्यू दोनों इक्वल आएगी, अब कोई वैल्यू रख लो जिससे एक वैल्यू निकले, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो तो इधर क्या आएगा सी और उधर क्या है सी इक्वल टू टू, इधर कांस्टेंट कितना है टू और इधर क्या है ए प्लस सी, एक ए है और एक माइनस यहां पे सी, ए की वैल्यू रख दो तो सी इक्वल टू टू माइनस ए टू माइनस वन, सी इक्वल टू बी आया वन और सी वन है तो बी भी कितना होगा वन, अब तो आसानी से कर सकते हैं, ये लॉग में आएगा और ये सपोज करके फिर आएगा, दो अलग अलग सेपरेट करेंगे, b की वैल्यू बना रही है ना x प्लस वन, तो x अपन वन प्लस x स्क्वायर प्लस वन अपन वन प्लस x स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है dx अपॉन x अपॉन 4 माइनस 1, तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1, फिर x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन होगा, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a upon x minus 1 plus b upon x plus 1 plus c x plus b upon x square plus 1 or 1 is equal to a into x square x plus 1 into x square plus 1 plus b into x minus 1 into x square plus 1 plus c x plus b into x square minus 1 मल्टीप्लाई करो तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी, अब कंपेयर करो x क्यूब के कोफिशिएंट को एक पास करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी x क्यूब, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक पास करो तो a प्लस a माइनस बी प्लस डी इनटू x स्क्वायर, x के कोफिशिएंट को एक पास करो तो a प्लस बी माइनस सी इनटू x, कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे तो a माइनस बी माइनस डी, ये हो गया, अब कंपेयर करेंगे, आई एम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट राइट लेफ्ट साइड में क्या है जीरो है, राइट साइड में ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन वन, ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस डी कितना होगा ये भी जीरो, क्वेश्चन टू, a प्लस बी माइनस सी ये भी जीरो आएगा, इक्वेशन थ्री, a माइनस बी माइनस डी इक्वल टू वन, इक्वेशन फोर, अब इन फोर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एबीसीडी की वैल्यू निकालनी होगी, तो फोर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दो दो को ऐसे सॉल्व करो कि दो वेरिएबल कट जाए, जैसे देखो ये a b c में है और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या इन दोनों को फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड, तो पूरा इक्वेशन ए और बी में आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ को अगर ऐड करते हैं तो भी
ए बी में आएगा और उसको साफ करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरे में रख के सी की वैल्यू निकलेगी, फिर डी की वैल्यू निकलेगी, कर लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है dx अपॉन x इंटू x टू द पावर n प्लस 1। अब यहां पे x टू द पावर n आ गया तो सपोजिशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेंगे। लेट x टू द पावर n इक्वल टू t होगा, देन nx टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx, यही होगा ना। तो x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx into dx is equal to क्या होगा dt upon n होगा। अब ये तो हमें दिख ही नहीं रहा वहां पे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, x to the power n minus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा x to the power n minus 1 dx, नीचे देखो x into x to the power n minus 1 क्या होगा x to the power n हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ है x to the power n plus 1। अब जो सपोज किया है हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो i is equal to बनेगा dt upon n x to the power n minus 1 dx की जगह क्या रखना है dt upon n, तो dt upon n रख दिया हमने, इसकी जगह क्या रखना है t और यहाँ हो जाएगा t plus 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ले 1 upon t into t plus 1 equal to a upon t plus b upon t plus 1, इसके आगे कर सकते हो, लास्ट में जब पूरा साल हो जाएगा तो t की वैल्यू वापस रख देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 17 में भी देखो सीधा सेकंड कर लेते हैं बस, sin x equal to t सपोज कर लो तो cos x dx is equal to dt हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा dt upon 1 minus t into 2 minus t, दो फैक्टर लीनियर मिल रहा है a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t। सेकंड जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें x square की जगह t सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करने के लिए, से उसके बाद डिवाइड कीजिए, फिर चलिए उसको कर देते हैं।